गाइस स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस आज हम बताएंगे आपको कि अंतिम 100 दिनों में, 100 दिन से भी कम समय बचे हैं, इसमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से पढ़ें, किन बातों का रखें ध्यान, टाइम टेबल कैसे बनाएं और किस प्रकार से पढ़ें, कितने टाइम्स पढ़ें और किन चीज़ों का रखकर ध्यान में रखकर पढ़ाई करें। तो गाइस आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर। अगर आपको 2021 के बोर्ड एग्जाम को देना है, आप कक्षा 10 में हो चाहे 12 में हो, इस वीडियो को देखना क्योंकि इससे आपकी तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहली बात, अब आपके बोर्ड एग्जाम के अंतिम 100 दिन बचे हुए हैं, अंतिम समय है, जान लगा दो, बोर्ड एग्जाम इसके बाद देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कक्षा 10 में हो तो 10 के बाद आप 12 में जाओगे, बोर्ड एग्जाम देने को नहीं मिलेगा कक्षा 10 वाला, ठीक है। जो परसेंटेज आएगा इसी में आ जाएगा, इसके बाद आपको उसको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अंतिम 100 दिन है, अब आपको जान लगाने का समय आ चुका है और समय भी बहुत अच्छा आ चुका है पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले अंतिम 100 दिनों में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए अपना समय, जो भी आपके पास जितना भी हिम्मत है, जितना भी जान है, जितना भी पढ़ सकते हो, 10 से 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे वो पढ़ डालो, क्योंकि यही अंतिम 100 दिन है। दूसरी बात गाइस, अगर इस अंतिम 100 दिन में अच्छे पढ़ाई के लिए अगर अभी तक आप अपना लक्ष्य नहीं बनाए हो कि मुझे कितना परसेंटेज लाना है बोर्ड एग्जाम में, तो पहले लक्ष्य बनाओ। क्योंकि अगर आपको मार्केट जाना होता है, अगर आप मार्केट जाना होता है तो आप पहले से एक लक्ष्य बनाते हो कि मार्केट से मुझे क्या लाना है, उसी के अनुसार घर से थैला लेकर चलता है चलते हो, ठीक है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2021 देना है, आपको पहले से एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि 2021 के बोर्ड एग्जाम में मुझे कितना परसेंटेज लेकर आना है। आप उसी के अनुसार घर से, यानी आप उसी के अनुसार अभी से तैयारी करके चलोगे। अगर आपको 90% लाना है तो 90% के हिसाब से पढ़ोगे, 80% लाना है तो 80% के हिसाब से पढ़ोगे। सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सर क्या अभी से मैं पढ़ के 90% ला सकता हूँ? मैं कहूँगा हाँ ला सकते हो। पहले आप एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे कितना लाना है, उसी के अनुसार पढ़ाई करना। मैं बताऊंगा कि अभी से कैसे 90% ला सकते हो पढ़कर। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो फिर भी आज से पढ़कर आप 90% ला सकते हो, कैसे पढ़ना है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो गाइस, आप एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे कितना परसेंटेज लाना है 2021 के बोर्ड एग्जाम में। जो भी लक्ष्य आप बना रहे हो उस लक्ष्य को कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं भी जानना चाहता हूँ। साथ में अपने कापी पर, अपने पेपर पर, अपने सामने, अपने स्टडी टेबल पर, हर जगह लिख डालो लक्ष्य को, क्योंकि लक्ष्य हमेशा सामने होना चाहिए। लक्ष्य सामने रहेगा तो आपके और लक्ष्य के और आपके बीच में कोई तीसरी चीज़ नहीं आएगी। जब तीसरी चीज़ नहीं आएगी, जब भी आएगी तो आपको लक्ष्य सामने आ जाएगा, लक्ष्य ध्यान में आ जाएगा, आपका टारगेट ध्यान में आ जाएगा। अरे मुझे तो 90% लाना था, मैं ये काम कर रहा हूँ तो उससे 90% थोड़ी ना आएगा। तो आप ये बात ध्यान में रख जाएंगे तो आप फिर से वो काम छोड़कर अपने तैयारी में लग जाओगे। तो लक्ष्य को लिखो, लक्ष्य बनाओ। पहली बात, आप लक्ष्य बना लिए, आपको क्यों पढ़ना है ये आपको मालूम हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अंतिम 100 दिनों में क्या पढ़ना है, ध्यान से समझना कि क्या पढ़ना है। दूसरे नंबर पर, तो आपको अंतिम 100 दिनों में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ध्यान देना है। आपको एक टारगेट बनाना होगा कि मुझे अब इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, क्योंकि 2021 का बोर्ड साल है, इस साल कोविड-19 का ईयर रहा, इस साल आपका 30% सिलेबस भी कम हो गया है। इन सभी का चीज़ों को देखते हुए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस साल आपका पेपर कठिन नहीं पूछे जाएंगे। आपके इस साल जो पेपर पूछा जाएगा इजी पूछा जाएगा और सरल आएगा। तो आपको पहले से ही उन सभी उसी टाइप के क्वेश्चंस को तैयार करना है। हर एक चैप्टर से 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो कि पूछे जाएंगे, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। चाहे आपके बहुविकल्पी हों, अति लघु उत्तरी हों, लघु उत्तरी हों, आप सभी के सब्जेक्ट के सभी प्रकार के प्रश्न चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं है मिल रहे हैं आपके सब्जेक्ट के नहीं मिल रहे हैं तो सब्जेक्ट का नाम कमेंट करो, मैं 1 से 2 सप्ताह के अंदर आप सभी के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। आप एक टारगेट बनाओ कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है। आप डेली का टारगेट बना लो कि मुझे 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे मैं करा रहा हूँ। मैं एक एक सब्जेक्ट के 6 क्वेश्चन डेली के डेली सॉल्व करा रहा हूँ। अगर 6 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने का टारगेट बना लोगे तो 70 दिनों में, मान लीजिए 100 दिन छोड़िए, 70 दिनों में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 420 क्वेश्चन। और आप सभी के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 26। वो भी 2600 क्वेश्चन करना नहीं होता है, जो 5 अंक के प्रश्न होते हैं उसमें से अथवा में होता है, कुल मिलाकर 23 क्वेश्चन करना होता है। कितने? 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन के लिए 420 क्वेश्चन कर रहे हो, 10 गुना से भी अधिक क्वेश्चन अगर आप टारगेट बना के कर रहे हो इन 100 दिनों में, तो बताओ कौन क्वेश्चन आपके पढ़े हुए से बाहर जाएगा। लेकिन आपको स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, क्वेश्चन सही होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेटजी छोड़ो, क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन को पढ़ डालो आपका 90% आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे, बोर्ड एग्जाम में मिले, क्योंकि नंबर से क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए। इसीलिए मैं अच्छे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में है,
जाकर देख सकते हो, या फिर मैं डेली के डेली 6 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आप आके सॉल्व कर सकते हो। अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस जल्दी चलेंगी, थोड़ी मोड़ी नेटवर्क की इश्यू है हमारे एरिया में, इसलिए क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, लेकिन जल्दी क्लासेस शुरू करेंगे, ये समझ लेना। 2 से 4 दिन, बहुत होगा 5 दिन, ठीक है। मैं अपने इंजीनियर्स से संपर्क कर रहा हूँ, जो भी हमारे एरिया के इंजीनियर्स हैं नेटवर्क के, वे जल्द ही उसको सॉल्व करेंगे और जल्द ही आपकी क्लासेस शुरू की जाएंगी। तो आपको डेली 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये ऐसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लो आपका अच्छे नंबर आ जाएंगे। 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या से नहीं होता, क्वेश्चन के टाइप्स के होते हैं, क्वेश्चन कैसा है इस पर डिपेंड करता है। मैं बहुत ही एनालाइज करके एक्सपीरियंस के जरिए आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, हर एक सब्जेक्ट की, चाहे कक्षा 10 में हो तो आपके साइंस के क्वेश्चन दिया जा रहा है और अन्य सब्जेक्ट भी क्वेश्चन दी जाएंगी, बस आपको डेली का डेली क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अगर आज से आप टारगेट बना लो कि मुझे डेली 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 70 दिनों में आपका 420 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ये से तैयारी कर सकते हो। तीसरी बात आती है कि टाइम टेबल कैसे बनाए सर, देखना आप लोग समझना इस बात को, आपको डेली का शेड्यूल बनाना होगा। एक सब्जेक्ट में अगर आपका 90% आ जाएगा तो आपका पूरा होल 90% नहीं आएगा, लेकिन उस सब्जेक्ट में तो आ ही जाएगा। तो आपको हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का एक बेहतरीन टाइम टेबल होना चाहिए। आप अगर सब्जेक्ट का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में करते हो तो मैं 2-4 दिनों में आपके सब्जेक्ट का, वैसे मैं एक बेहतरीन टाइम टेबल बना चुका हूँ, बना कर दूंगा। अगर नए स्टूडेंट हो तो नीचे कमेंट करना, अगर पहले वीडियो में कमेंट कर चुके हो तो कोई जरूरी नहीं है, मैं आपके कमेंट को देखा हूँ, जल्दी आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपका कमेंट, आपको एक टाइम टेबल, बेहतरीन टाइम टेबल, समझ लीजिए वो आपका टाइम टेबल नहीं होगा, आपका डेली रूटीन का टाइम टेबल होगा, उसमें हर एक चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया होगा। आपके डेली रूटीन का हर एक एक्टिविटी को ध्यान में रखकर मैं टाइम टेबल बनाया हूँ। अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे, फॉलो कर ही लोगे, क्योंकि वो आपका टाइम टेबल नहीं है, आपके लाइफ का टाइम टेबल है। सुबह उठने से रात को सोने तक हर एक एक्टिविटी को ध्यान में रखकर वह टाइम टेबल बनाया हूँ और बहुत ही बेहतरीन टाइम टेबल है, जल्दी अपलोड होगा। पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी टाइम टेबल आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी रखा कर रखना, ठीक है, उसे दबा कर रखना। तो बेहतरीन टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा इस 70 दिनों में पाने के लिए, एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, मैं स्ट्रेटजी भी बना के दूंगा। तीसरी बात आती है जो कि महत्वपूर्ण आपकी, चौथी बात, आपको थोड़ा टाइम टेबल बना रहे हो तो जो टाइम जहाँ पर स्पेंड करते हो, जैसे सोशल मीडिया वगैरह पे इधर उधर घूमने जाने पर, उन सभी को छोड़ना पड़ेगा। आपको हर एक वो चीज़ को छोड़ना पड़ेगा जो आपके 90% या 95% जो आपका लक्ष्य बनाए हो उसे प्राप्त करने में समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं खड़ी कर रही हैं, उन एक चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। वो भले ही आपकी सबसे प्रिय चीज़ क्यों न हो, आपका सबसे प्रिय चीज़ क्यों न हो, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको पढ़ाई करने में डिस्टर्ब कर रही है। तो करना क्या पड़ेगा आपको अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए, बस केवल 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 और पढ़ाई करनी पड़ेगी। 100 दिन की बात है यार, 100 दिन अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो अपना सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, मूवी, सब कुछ छोड़ डालो। 100 दिन के बाद देखना जितना मन करे उतना, लेकिन अभी 100 दिन पढ़ डालो। 100 दिन ही बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, 100 दिन से भी कम बचे हैं, समझ लो। अगर आपके 90% लाना है तो इसी 100 दिन में जान लगा डालो, जितना भी आपके पास है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा जान लगाने की भी, कुछ भी लगाने का। अंतिम 100 दिन है, पढ़ डालो जितना भी पढ़ना चाहते हो। इस वीडियो में मैं आपको यही सभी बताने की कोशिश किया, आपको समझ में आया होगा जो भी चीज़ें बताएं। रही टाइम टेबल की बात, मैं टाइम टेबल के लिए सेपरेट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जल्द ही लेकर आऊँगा। बस कमेंट कर डालो अपने सब्जेक्ट्स का नाम और अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, और अपने टाइम्स के नाम। अगर आप लोग कॉलेज जाते हैं तो ये भी कमेंट कर देना, कब से कब आप कॉलेज जाते हो, उन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखकर मैं बनाऊँगा वीडियो टाइम टेबल आपका। और टाइम टेबल 2-3 दिन समय लगेगा, क्योंकि टाइम टेबल बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि एक बार बना लो उसे चेंज मत करो, ऐसा नहीं कि मैं बना के दूं, अभी कल टाइम टेबल बना दूं, अभी शाम को टाइम टेबल बना दूं, लेकिन समस्या आएंगी, आप फॉलो नहीं कर पाओगे। हर एक चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, जितने भी लोग कमेंट करते हैं उनके कमेंट्स को ध्यान में रखते हैं कि वे कब कहाँ जा रहे हैं। आप लोग जरा कमेंट करके मुझे बताना कि कितने लोग कोचिंग जाते हैं और कोचिंग कब जाते हैं, ठीक है, और कितने लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज कब जाते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं टाइम टेबल बनाऊंगा और बहुत बेहतरीन टाइम टेबल होने वाला आपको, ठीक है। थोड़ा कमेंट करना आप लोग, मैं जल्दी टाइम टेबल लेकर आ रहा हूँ। अंतिम 100 दिन है, तैयारी कर लेना आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो वीडियो में बस इतना ही, जितने लोग जुड़े हैं डेली के डेली 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉर्निंग में कराता हूँ, आके करते रहना। और आप सभी के सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, आके देख लेना। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।